नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर पर। आज इन खबर की चुनावी टीम पहुंची है बड़ी सादड़ी विधानसभा। इस विधानसभा में मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या इनका मिजाज है, किसकी सरकार ये सत्ता में वापस ले आ रहे हैं, किसकी सरकार ला रहे इस बार। हमने तो बीजेपी से, बीजेपी कांग्रेस से क्या नाराजगी है आपको? हमने कांग्रेस को कोई नाराजगी नहीं है, बीजेपी है। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, किसानों के लिए फ्री में बिजली दे रही है, 2000 यूनिट, घर के लिए 200 यूनिट, नहीं मिल रहा आपको? मिल रहा। उसके बाद बीजेपी, बीजेपी में आखिर वजह क्या आपका, बस नरेंद्र मोदी या कुछ और? सब मोदी और कोई वजह नहीं है बीजेपी में? हाँ मोदी जी। चलिए इनसे और भी कुछ मौजूद है, उनसे बात करें। किसकी सरकार आ रहा है इस बार राजस्थान में? आपने बीजेपी से। कांग्रेस से क्या नाराजगी आपको? कोई नाराज कौन, कांग्रेस तो काम अच्छा कर रही है, मोबाइल दे रही है, बिजली का बिल फ्री दे रही है। बीजेपी सही रही। बीजेपी सही है क्यों? सही है बीजेपी, क्यों सही है बीजेपी? कौन सी योजना आपको अच्छी लग रही है, कुछ बताएंगे? ये बढ़िया रेट है। किसकी सरकार ला रहे हैं राजस्थान में? अपन दो ही सरकार होगा, अपना तो दो ही होगा। कौन सा सरकार? अपन बीजेपी होगा, बीजेपी कांग्रेस भी, दोनों सरकार तो एक ही आएगी ना, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों अच्छी है। तो आप किसको वोट देंगे? अपन तो देखो सेट से कांग्रेस को दे रहे हैं, तो वही जाएगी वोट कांग्रेस को। ये कह रहे कांग्रेस को वोट देंगे, बलि दो नहीं जमेजू करो। हाँ हमारे जमीन तो योजना कौन सी आपको अच्छी लग रही है बीजेपी, कुछ बताएंगे? कौन सी योजना अच्छी लग रही है जो चुनाव में लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो कुछ परिवर्तन होगा? अपने तो बीजेपी है, बीजेपी रहेगा बस। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किसकी सरकार इस बार आ रही है, किसकी सरकार आ रही है इस बार, किसकी सरकार आ रही है राजस्थान में। अच्छा दुकानदार भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया किसकी सरकार आ रही है इस बार राजस्थान में? अबे यार मैंने मार की खबरी पे लेके बात करूं। किसकी सरकार ला रहे भैया? अब की बार मोदी सरकार आएगी। कांग्रेस से क्या नाराजगी हो गई इस बार? नाराज तो कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी क्या है कि कांग्रेस हिंदू समाज को बहुत कम ये कर रही है, मतलब कुछ भी, मतलब हिंदू धर्म को नहीं मान रही है। राहुल गांधी तो जनेऊ पहन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं दोबारा, ये तो कुछ नहीं है, वो उनका ढोंग है। अच्छा अगर वही काम मोदी जी करे तो पूजा या राहुल गांधी करे तो ढोंग क्यों? मेरी बात सुनो, मतलब पार्टी तो सेम ही होती है, लेकिन अगर हम हिंदू हैं, अगर हमारे ऊपर ही अत्याचार हो तो कौन सहन करता है ये बताओ पहले। चलिए ठीक है, सहन वाली बात हो गई, लेकिन अगर आपके बगल वाले विधानसभा में गए थे तो वहाँ किसान कह रहे, किसान बहुत खुश हैं इस कांग्रेस सरकार से, और आपके यहाँ क्या रहा है किसानों को लेकर? हमारे तो किसान तो ठीक ही है, किसान तो कांग्रेस से ही खुश है, क्योंकि उन्होंने अच्छा ही किया है। इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं कांग्रेस ने, जमीनी स्तर पे क्या है, मिल रहा है लोगों को लाभ इसका या नहीं मिल रहा? देखो हमारे को तो कुछ मिला नहीं है, क्योंकि हमने तो फार्म भी भरे, घर का भी ये करवाया था, किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ हमारे को। कोई फायदा नहीं हुआ आपको? हमारा किसी चीज़ का ना मकान पास हुआ है, ना कुछ खेत का भी है, जो आ रहा है ना मुआवजा वो भी नहीं आया, हमारे लिए नहीं आया। अगर आए होंगे लोगों के लिए आए होंगे पैसे, हमारे लिए नहीं आए। चलिए एक और शख्स मौजूद, किसकी सरकार ला रहे राजस्थान में इस बार? मोदी जी। मोदी जी क्यों, कांग्रेस से क्या नाराजगी? आपको भी नहीं मिला क्या? आपको नहीं मिला क्या? कुछ नहीं मिला। खेत वेत है, किसानी होती है, तो बिजली तो फ्री है। बिजली तो फ्री है ना? फ्री सर। फिर क्यों नाराजगी? चलिए ठीक है, एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात कर लेते। किसकी सरकार ला रहे हैं सर आप? किसकी सरकार ले आ रहे हैं इस बार राजस्थान में? राजस्थान में इसका बीजेपी की आएगी तो। अच्छा मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है? मुख्यमंत्री कौन देख, किसको देखना चाहते हैं आप लोग? यार वो तो लिस्ट आएगी उसके बाद ही पता पड़ेगा। अरे अपना मत बताइए ना, आपका क्या मत है? अरे यार अपना मत तो इस बार हम क्या देखें, इस टाइम तो टाइम ही नहीं मिल रहा है टीवी देखने का कुछ। किसकी सरकार ला रहे भैया इस बार राजस्थान में आप? मोदी जी की। मोदी जी, गहलोत सरकार से क्या नाराजगी हो गई आपको? नहीं मैं सेठ था शुरू से, मोदी मतलब बीजेपी का रहा हूँ। अच्छा ये बीजेपी गढ़ तो है ठीक है, लेकिन राज्य की बात करें तो गहलोत सरकार काफ़ी सारी योजनाएं लाया है, जो लोग उससे खुश भी नज़र आ रहे हैं। खुश तो नज़र आ रहे हैं, पर मोदी जी की सरकार से। तो आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? लाभ तो मिला है, वो बात नहीं है, लाभ की बात नहीं हो रही है। नहीं योजना का लाभ भी मिल रहा है, काम भी अच्छा रहा, फिर भी मोदी सरकार है? हाँ मोदी जी, बस मोदी जी का चेहरा देख के। अच्छा आप युवक हैं तो युवक सब युवकों में मैं देख रहा हूँ क्रेज एक नाम है, मुख्यमंत्री चेहरा किसको देखना चाहते हैं आप?
अगर बीजेपी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री चेहरा किसको देखना चाहते हैं आप? ऑप्शन में कुछ होगा ना, ऑप्शन में ऑप्शन जैसे दिया कुमारी हो गई, वसुंधरा राजे हो गए, बालकनाथ हो गए, इसमें तो वसुंधरा राजे। चलिए ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं आप? 2 मिनट अगर आ जाते तो आपसे बात हो ही जाती। आ जाइए अब भी, 2 मिनट आ जाइए, 2 मिनट आपसे भी कुछ बात हो जाए। किसकी सरकार आप ले आ रहे हैं ये बताइए। चलिए आप सरकार तो कहिए, वोट देना है दीदंगा यहाँ पे। अब वोट तो आपसे नहीं पूछ सकते ना, सरकारी बता दिए किसकी ले आ रहे हैं राजस्थान में आप। कई खबर बना इंडिया की किसी को यार, अंदरूनी पोषण में मेरी खबर नहीं मिली। अरे अंदरूनी खबर नहीं, मन तो होता है ना, एक मत होता है कि हर पब्लिक का एक मत होता है। बीजेपी कांग्रेस से नाराजगी है? नाराजगी तो कुछ नहीं कर रहा, हम सब प्रेम से। अरे केजरीवाल भी अपनी पार्टी ले आ रहे हैं वहाँ वापस राजस्थान में। मतलब अपन सब खुश है, आप सब कांग्रेस खुश है, बीजेपी खुश हूँ। खुद सबसे है लेकिन लाएंगे बीजेपी की सरकार। हाँ, इस विधानसभा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ मौजूद सभी लोग लगभग बता दें कि 90-10 का माजरा चल रहा है बीजेपी कांग्रेस में। खैर 3 दिसंबर को पता चलेगा कि राजस्थान में सरकार किसकी बन रही है। सभी विधानसभाओं की खबर देखने के लिए आप जुड़े रहें इन खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।